हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे एकदम नया नाश्ता। जब आपको कुछ नया टेस्टी और हेल्दी खाने का मन करे तब आप ये सिर्फ 10 मिनट में ये नया नाश्ता बना सकते हैं। तो चले बनाते हैं। तो पहले हम चटनी बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने मिक्सर जार ले लिया है, उसमें हम 1 कप धनिया और 3/4 कप पुदीना लेंगे, पुदीने के पत्ते, 1 टीस्पून से थोड़ा ऊपर नमक, 1 छोटा चम्मच शक्कर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, 1 टीस्पून जीरा, आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे, 2 हरी मिर्च या फिर आपको स्वाद के अनुसार चटनी कितनी तीखी बनानी है उसके हिसाब से डाल दीजिए, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। 3 से 4 बड़े चम्मच जितना पानी यूज़ करके हम एकदम स्मूथ चटनी बना लेंगे। लगे तो आप थोड़ा और भी पानी डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो चटनी तैयार है, ऐसी हमें चटनी चाहिए। अभी मेरे पास रोटी बची हुई है, आप चाहे तो ताज़ी रोटी भी बना सकते हो। तो 8 से 10 जितनी हम रोटियां ले लेंगे। मैं पहले 3 लेयर वाली रोटी की सैंडविच बना रही हूँ। आप चाहे तो 2 रोटी की भी ये सैंडविच बना सकते हो। तो रोटी पर पहले मैंने बटर लगा दिया है, उसके पर हम पुदीने धनिए की बनाई हुई चटनी लगाएंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ऐसे नहीं खाना है तो रेगुलर रूटीन में रोटी सब्जी के साथ साइड में ये पुदीने धनिया की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जो दूसरी 2 रोटी है उसमें से 1 पर हम पहले बटर लगा देंगे, और उसके पर हम 1 टेबलस्पून जितना टमाटो सॉस, और जो तीसरी रोटी है उसके पर भी मैं बटर लगा दूंगी, और उसके पर मैं हरी चटनी लगाऊंगी। तो मैं बीच वाली जो रोटी है उसके पर टमाटो सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो तीनों पर हरी चटनी ही यूज़ कर सकते हो, पर बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आता है और हेल्दी भी है, इसलिए मैं टमाटो सॉस थोड़ा लगा के बच्चे खा सके इसलिए बहुत तीखा नहीं बना रही हूँ। तो अच्छे से मैंने 2 रोटी पर हरी चटनी और 1 रोटी पर टमाटो सॉस लगाया है। अभी हम एकदम पतले पतले स्लाइस किए हुए प्याज के टुकड़े पूरी रोटी पर फैला देंगे, उसके पर चाट मसाला या फिर सैंडविच मसाला छिड़क देंगे, और उसके पर हम एकदम पतले स्लाइस किए हुए कैप्सिकम, शिमला मिर्च के टुकड़े मैंने डाल दिए हैं, उसके पर कद्दूकस या फिर एकदम बारीक चॉप किया हुआ कैबेज, पत्ता गोभी डालेंगे, और उस पर हम चाट मसाला या सैंडविच मसाला छिड़क देंगे, और ऊपर से हम चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। तो आप प्रोसेस चीज़, मोज़रेला या फिर चीज़ स्लाइस जो मिलते हैं, कोई सा भी चीज़ आपके पास हो वो डाल सकते हो। अगर आपको चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, तो भी ये सैंडविच बहुत ही बढ़िया बनेगी। और हम टमाटो सॉस वाली रोटी है उसे मैंने उल्टा करके ऐसे रख दिया है, ऊपर की साइड हम हरी चटनी और थोड़ा हम टमाटो सॉस मिक्स करके दोनों लगा देंगे। आप चाहे तो अकेला तीखा या फिर अकेला टमाटो सॉस भी लगा सकते हो। अगर आपको डाइट के लिए ये सैंडविच बनाना है तो इसमें टमाटो सॉस, चीज़, बटर और आलू, 3 चीज़ें मत यूज़ करें। ककड़ी भी आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ऐसे मैंने टमाटो सॉस और चटनी लगा दिया है, उसके पर हम पतले पतले काटे हुए टमाटर के स्लाइस रख देंगे। तो पूरी रोटी पर अच्छे से आए ऐसे लगाएंगे, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़क देंगे अच्छे से ऐसे, और 1 उबला हुआ आलू। तो मैंने 3 ये सैंडविच बनाई है तो 3 उबले हुए आलू लिए हैं, तो 1 पूरा आलू को कद्दूकस करके हम डाल देंगे। तो मैंने पूरा कद्दूकस कर दिया है, ऐसे थोड़ा फैला देंगे, चाट मसाले या सैंडविच मसाला छिड़क देंगे। तो इसमें हमें बिल्कुल तेल की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसे बटर के बिना भी बना सकते हो और चीज़ के बिना भी बना सकते हो। और ऊपर से मैं थोड़ा मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी, और जो चटनी वाली रोटी बची है तीसरी, उसे हम इसे ढक देंगे। ऊपर की साइड हम बटर लगा देंगे, मैं नीचे के साइड पहले इसे कच्चा ही सेक लूँगी, बाद में बटर लगा दूंगी। आप चाहे तो दोनों साइड पहले कच्चा सेक लीजिए फिर बटर अगर लगाना है तो लगाए, नहीं तो ऐसे ही सर्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बढ़िया सी लेयर वाली रोटी की सैंडविच तैयार हो गई है। अभी मैंने रोटी का तवा लिया है, उसके पर हम रोटी को ट्रांसफ़र करेंगे
एक मिनट के लिए स्लो आंच पे इसे होने देंगे। एक मिनट के बाद हम साइड चेंज करेंगे और स्लो आंच पे ही दूसरी साइड भी हम होने देंगे, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाएगा और अंदर से प्याज और शिमला मिर्च भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। ऊपर की साइड थोड़ा बटर लगा देंगे। तो तकरीबन आप 1 से 2 मिनट दोनों साइड से इसे पकाए और ये रेडी हो जाती है। तो आप देख सकते हो बढ़िया सी डिज़ाइन आ गई है। और रोटी आपने कितनी भी मोटी बेली होगी, पर ये सिकेगी तो एकदम खाखरे की तरह पतली हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये अभी अच्छे से रेडी हो गया है। अब देख सकते हो सो बढ़िया सा सिक गया है। इसे हम निकालेंगे और गरम गरम रोटी सैंडविच को हम 4 हिस्सों में ऐसे काट लेंगे और इसे आप गर्मा गर्म बनाई हुई हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको चीज़ अगर और ऊपर से डालना है तो डाल सकते हो। तो जब भी आपके पास रोटी बच जाए, अगर आपको कुछ हेल्दी खाना है तो रोटी ज़्यादा बना लीजिए। और ये झटपट रोटी की वेज टोस्टेड सैंडविच या चीज़ वेज टोस्टेड सैंडविच रोटी सैंडविच ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ अब बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आप घर पे ये रोटी सैंडविच बनाकर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।